एके मिश्रा जी, जिस तरीके से आज 5 राज्यों में कोरोना वॉरियर्स पर हमला किया गया, और कोई आज की बात नहीं है, हर दिन हमला हो रहा है, आखिर ये वॉरियर्स जो अपनी जान हथेली पर रखकर, क्योंकि हम सुरक्षित अपने घरों में रहें, वो डॉक्टर जो अपनी जान हथेली पर रखकर अपने बीवी बच्चों अपने परिवार से दूर रहकर कोरोना वॉरियर्स जो कोरोना के मरीज हैं उनसे बचा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उन पर हमला, उनके साथ बदसलूकी, आखिर इसके पीछे की वजह आप क्या समझ पाते हैं? ये डर है या वाकई नफरत है? देखिए, ना ये नफरत है ना ये डर है। अगर डर होता तो आदमी अपने जान अपने सामान की वसूली सरकार जेल फेल से डरता। इनको किसी चीज का फर्क नहीं है। एक चीज मैं ऐड कर दूं, मैं इसमें 100% कंफर्म नहीं हूं, लेकिन मैंने ये ऐसा सुना था, आप कंफर्म करिएगा। अलीगढ़ की जो घटना हुई जी, दो धर्म विशेष के सब्जी वाले थे, आपस में लड़ रहे थे। अच्छा। पुलिस वाले जब वहां पहुंचाने उनको समझाने के लिए पहुंचे तो उन लोगों ने भी पत्थरबाजी की, फिर पूरा का पूरा मोहल्ला या कई और लोग निकल आए। इट इज नॉट कंफर्म, लेकिन आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। देखिए, है क्या, मैं धर्म का बिना नाम लिए हुए, आपने जो प्रॉब्लम पूछा ना, फांसी देने की सजा है, कितने लोगों को मौत के घाट उतारा गया, सरकार ने पनिश किया, ये सुधरने वाला नहीं है। उसके पीछे अब साइकोलॉजिकल रीजन क्या है, उनका शरीर तो यहाँ है, पैदा तो यहाँ हुए हैं, उसके बाद डीप फिटेड डीपली कन्विंस्ड एक महान जो है योजनाबद्ध तरीके से उनका एक बहुत ही महान उद्देश्य है जिसकी पूर्ति के लिए ये सबसे सही मौका उनको लग रहा है और वो कर रहे हैं। जिस देश में जियो और जीने दो की परंपरा रही हो, जिस देश में ये बोला जाता हो कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है, यानी जो मर रहे हैं पेशेंट और उनको बचा रहे हैं अगर डॉक्टर और पुलिस, तो वो महान है, महानतम है, महान से भी ज्यादा वो महानतम है। उनके ऊपर थूका जा रहा है, उनके ऊपर उनको मारा जा रहा है, पत्थर फेंका जा रहा है, इसका इलाज क्या है? 50 कानून सारी सरकारों में रही है साहब, कोई इलाज नहीं निकला। इसका इलाज यही है, वो पत्थर फेंके तो आप पहाड़ फेंकिए, यानी शूट एट साइट। ऐसे बदमाश तत्वों को, किसी भी धर्म किसी भी समाज के हो, अगर वो पुलिस और डॉक्टरों पे पत्थर फेंकते हैं, फिजिकल असॉल्ट करते हैं, तो देखिए अमेरिका में एक नियम क्या है, एक सिपाही भी अगर किसी को भी रोकेगा ना, और वो थोड़ा सा भी अगर पंगा लेता है सिपाही से, तो इमीडिएट वो पिस्तौल तानता है और शूट एट साइट का उसको ऑर्डर होता है। सरकार ये नियम क्यों नहीं बनाती है? आप 500 नियम और बना दो ना, पहले भी नियम थे तब भी ये पत्थर फेंक रहे हैं, आज जो केंद्र सरकार ने नियम बनाया ये फिर भी पत्थर फेंकेंगे। 1400 साल पुरानी जो पत्थर फेंकने की, बाबा आदम की जमाने की जो प्रथा है, जो दिमागों में पीढ़ी दर पीढ़ी भरा गया है, इतने मजदूर यहां से पलायन करके गए भूखे प्यासे, किसी ने एक ने पत्थर नहीं फेंका। ये सभ्यता का अंतर है, आप समझिए जो मैं बता रहा हूं, जो आप फर्क पूछ रहे हैं कि ये नफरत है कि ये डर है क्या है, ये कुछ नहीं है, ये सभ्यता का अंतर है। 1400 साल पुरानी जिस सभ्यता में इन लोगों को पाल पोस के बड़ा किया गया है ना, ये उसका असर दिख रहा है कि कुछ भी कर दो ये सुधरने वाले नहीं है। तो ऐसे लोगों को सूट एट साइट वाला नियम गवर्नमेंट को लगाना चाहिए।